वाह क्या नजारा है भाई साहब, समुंदर के ठीक सामने विला बना दिया आपने। मजाक बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। अरे बनी भाई, हमारा क्या है यार, सब बच्चों के लिए है। अच्छा यार भाई साहब, मिलवाओ तो सही अपने उन खुशनसीब बच्चों से। आओ वो पूल साइड है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इससे मिलो। ये मेरे दूसरे नंबर का बेटा है सकावत, इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है। अच्छा तो इस विला का कंस्ट्रक्शन का काम इसी बेटे ने करा तुम्हारे? नहीं, इसे तो पता भी नहीं सिविल होती क्या है, इनने तो बस कर ली। वो सबसे छोटा बेटा है मेरा, मेहराजुद्दीन। तुम्हारा छोटा बेटा ही मेरे को कामयाब लग रहा, तभी तो मजे ले रहा अपनी जिंदगी के। अरे ये विला भी इसी की देन है मेरे बेटे की। कैसे मतलब? अरे ये बदमाशों में बैठता है तो इनने ये विला कब्जा लिया। जिक्र मत करना किसी से। ना ना जिक्र ना करने का, एक ऐसा ही समुंदर के सामने कोई विला, मेरे को भी कब्जवा दो अपने लौंडे से बात करके। बात करूंगा, बाकी मारे बहुत है बदमाश, मैं खुद डरूं। नहीं तुम ही बात कर लो, इसलिए तो मैं ना कर रहा। बात कर लूंगा, बात कर लूंगा। देखो भाई, मुझे एक नौकर की जरूरत है और तुम तीन आए हो। चल भाई पहले तू बता क्या कर सकता है मेरे लिए। बाबूजी तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाऊंगा, और अगर तुम कुछ सामान मंगाओगे ना मार्केट से वो भी ला दूंगा। चील का मुंह ला सकता है मेरे लिए? चील का मुंह ये कहां मिलेगा मालिक? रिजेक्ट है, निकल। हाँ भी व्हाइट शर्ट, तू बता तू ला देगा चील का मुंह मेरे लिए? मालिक चील का मुंह तो मुश्किल है, तू भी रिजेक्ट है, निकल। जी बाबूजी, चील का मुंह पीना आपको? हाँ पीना है, तू लेके आएगा मेरे लिए? अब से पहले पिया मालिक आपने चील का मुंह? अरे अब से पहले नहीं पिया, इसीलिए तो मंगा रहा हूँ। रुको मैं लेकर आ रहा हूँ। अबे चील का मुंह है ये, बिल्कुल ऐसी महक आ रही है जैसे इंसानों के पेशाब में से आवे। हाँ भाई, आपको तमीज नहीं है? आप ऐसी सोसाइटी में गाड़ी के पीछे खड़े होकर गिलास में पेशाब कर रहे हैं? अरे दलाल, दोनों में क्या फर्क है? नाम में क्या रखा है यार? आओ विला देखो। आओ सर आओ, देखो यह है इस विला की किचन, यह है इस विला का डाइनिंग एरिया, यह है इस विला का लिविंग एरिया, और ये इस विला का पहला रूम, ये इस विला का दूसरा रूम, ये इस विला का तीसरा रूम, और यहाँ जीने से नीचे उतर के हम आ गए वापस अपने लिविंग रूम में। अब बताओ विला कैसा लगा? डीलर दलाल यार, विला तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मेरी फैमिली के हिसाब से ये बड़ा है, मैं किसी और से देख लूंगा। ठीक है सुनो मेरी बात, यहाँ के बैठो, अब पट्टी पढ़ाता हूँ। देखो विला तुम यही लो, मेरी बात समझो प्लीज। डीलर दलाल शर्मिंदा मत करो यार, हम दो मियाँ बीवी हैं, दो बच्चे हैं, इन तीन कमरों के विला का मैं क्या करूंगा यार, मैं किसी और से ले लूंगा ना। सुनो मेरी बात, विला तुम यही लो, चाहे एक बच्चा आके है कर लेना। और मैं पागल हो गया डीलर दलाल, तेरे इस विला को खरीदने के चक्कर में मैं अपने घर की भीड़ बढ़ाऊं? बच्चे दो ही अच्छे। अरे भाई इसे ले लो, अरे भाई ले लो यार, टूरिस्ट आते रहते किराए पे चढ़ा देना कमरा। अरे भाई सुनो तो सही यार,